हेलो फ्रेंड्स, सीमा डिजाइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से नए नए डिजाइन की वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये काफी सुंदर सा नए डिजाइन है, इसे आप कुर्ती में या ब्लाउज में किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी कुर्ती है जिसका तीरा ऐसे 6 इंच है, ये डबल फोल्ड में है। अब मैंने ये बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई ऐसे 13 इंच है। तो बुकरम को ऐसे फोल्ड कर लेना है बीच में से और फिर बंद वाली साइड से हमें निशान लगाना है 3.5 इंच पर। अब इसके बाद हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर ये लगभग 1/4 इंच बच जाएगा। इस साइड हमने 4 इंच पर निशान लगाना है, फिर 1/2 इंच पर और फिर 1.5 इंच पर और फिर इस साइड भी लगभग 1/4 इंच बच जाएगा। अब इसे देखिए, हम ऐसे 3.5 इंच पर और 4 इंच पर हम इसे मिला लेंगे और मिला लेने के बाद इसे हम ऐसे राउंड शेप देंगे। इसके साथ साथ हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे भी ऐसे मिला देंगे। तो देखिए, आपको अच्छे से सावधानी से मिलाना है। फिर इसके साथ साथ हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे भी मिला देंगे और इसके साथ साथ हमें 1/4 इंच पर ऐसे मिला देना है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे हमारे पास 3 नेक कट के रेडी हो जाएंगे। तो इनके ऊपर मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको पता चले मैंने कौन सा नेक यूज किया है। तो ऐसे हमारे पास 3 नेक कट के रेडी हो गए हैं। ये मैंने नेक नंबर 3 को लिया है और इसे हम फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। ऐसे फैब्रिक के साथ अटैच करने पर इसे हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स के निशान लगा लेंगे ताकि हम इसे पलटे तो इसमें सलवटे नहीं आए। अब हम इसे ऐसे पलट कर प्रेस कर लेंगे। अब हमने ये एक कपड़ा लिया है जिसके ऊपर फ्यूज पेपर पेस्ट कर रखा है, इसके ऊपर हम नेक नंबर 2 को मार्क करेंगे। तो देखिए, मैंने मार्क कर लिया है दोनों साइड से। अब हम देखिए 2 पट्टी लेंगे, लगभग 1.25 इंच की दोनों पट्टियां हैं और इनको बीच में से अटैच करके ऐसे प्रेस कर लेनी है। अब इनके 3-3 इंच के पीस बना लेने हैं। तो देखिए, मैंने सभी पट्टियों के पीस बना लिए हैं। अब इन्हें हम देखिए ऐसे बीच में से मार्किंग करेंगे और जो हमारा ये बीच का निशान है यहाँ से हम पट्टियों को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें पट्टी का जो बंद वाला साइड है वो हमने ऐसे रखना है और खुले वाला ऐसे। ऐसे हमने पट्टियों को एडजस्ट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए, ऐसे हमने एक साइड से पट्टियां लगा ली है। अब हम दूसरी साइड से लगाएंगे। तो इस साइड से भी हम ऐसे ही लगाएंगे। हमने जो पट्टी का खुला वाला साइड है वो अपनी साइड रखना है और हमें यहाँ तक पट्टियों को लगा लेना है। तो देखिए, एंड तक मैंने पट्टियों को लगा लिया है। ऐसे पट्टियों को लगाने के बाद हम इन्हें ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए पट्टियों को जब हम ऐसे पलटेंगे तो जो नीचे की साइड का कलर था वह ऊपर की ओर आएगा, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। ऐसे जब हम मिड पॉइंट पर आ जाएंगे तो देखिए हमारा बीच का पॉइंट है, इस साइड से हमें पट्टियों को दूसरी साइड फोल्ड करना है, जिससे हमारा अच्छा सा पैटर्न बनके रेडी होगा। ऐसे एक साइड से फोल्ड करने के बाद हम ऊपर की साइड से पट्टियों को फोल्ड करेंगे, इन्हें भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ऐसे जब हम बीच वाले पॉइंट पर आ जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड पट्टियों को फोल्ड करेंगे। तो देखिए ऐसे अच्छा सा हमारा पैटर्न बनके रेडी हुआ है। अब इसे हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमें बारीक चाल से अटैच करना है और किनारे के साथ साथ सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा दी है। देखिए जो बैक साइड से एक्स्ट्रा है उसे मैं कटिंग कर रही हूँ। अब हम देखिए जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उससे लगभग एक बूट की दूरी से हम इसे कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग कर ली है हमने। अब हमने नेक नंबर 1 को लिया है और ऐसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसको ठीक ऐसे ही रेडी करना है जैसे हम अपनी कुर्ती पर नेक को रेडी करते हैं, ठीक इसे ऐसे ही रेडी करना है। यहाँ से कपड़े को कटिंग कर देना है और यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर रही हूँ। अब हम देखिए छोटे छोटे कट्स के निशान लगा के इसे पलट लेंगे। ऐसे पलट कर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यह सिलाई भी हम बारीक चाल से और किनारे के साथ साथ लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम अपने नेक के साथ अटैच करेंगे। देखिए दोनों पट्टियों के बीच में हम अपने पैटर्न को ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई भी हमने बारीक चाल से लगानी है और किनारे के साथ साथ ही लगानी है। हमने पैटर्न को दोनों पट्टियों के बीच में अच्छे से एडजस्ट करके और अच्छे से सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड ऐसे हमारा नेक डिजाइन बनके रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक बीच में बटन लगाएंगे, तो इसको हमने फैब्रिक से रेडी करना है। ये मैंने एक सिंपल बटन लिया है और ये मैचिंग का ही फैब्रिक लिया है। ऐसे हम फैब्रिक से एक बटन रेडी कर लेंगे और फिर इसको लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही इस चैनल पर नई नई वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको किसी विशेष टाइप की वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम वो भी लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ इसके बीच में हम ये बटन लगा देंगे, जिससे हमारे नेक की बहुत ही सुंदर लुक आएगी। तो आप इसे नेक डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही सुंदर लगता है। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।